हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। बच्चों को कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, कहां से मिलेंगे और इसकी एग्जाम की डेट 8 दिसंबर ना होके कब है, 1 दिसंबर है। 8 दिसंबर एक अलग एग्जाम है। मैं बता दूं, देखो आरएमएस पेरेंट्स को लगता है कि आरएमएस और आरएमसी की समझते हैं। देखो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, दोनों एग्जाम बिल्कुल क्लोज है, 1 8 दिसंबर को और 1 1 दिसंबर को है। तो बच्चों को यहां पे अपना रास्ता अभी तय कर लेना होगा भाई, आरएमएस या आरआईएमसी। आप ये नहीं कह सकते दोनों निकालने हैं, समझ लो दोनों में से कोई सा नहीं निकलना। जिसने कह दिया मैं तो दोनों निकाल लूंगा, अगर किसी बच्चे की आरएमएस की बहुत अच्छी तैयारी है पहले से, इसने पहले साल निकाल लिया तो वो तो निकाल लेगा उसकी, तो ठीक है। लेकिन अभी आरएमएस आपसे पहले साल नहीं निकला या आरएमएस की तैयारी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो दोनों एग्जाम अलग। देखिए एक पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट का एग्जाम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है आरएमएस में, सिलेक्ट सीट्स बहुत कम है। दूसरा एग्जाम जो है आरआईएमसी का, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेवल बहुत ज्यादा है। कंपटीशन तो कुछ भी नहीं है, कंपटीशन तो मात्र 3000 बच्चे बैठेंगे। और इस बार तो ये कह रहे थे कि सर फॉर्म ही नहीं आए, मतलब ये क्या कह रहे थे, आरआईएमसी वाले ने नोटिस डाला है कि फॉर्म ही नहीं निकले, मतलब फॉर्म ही नहीं भरे बच्चों ने, इसीलिए उन्होंने डेट भी बढ़ाई थी। तो मतलब 3000 से भी कम ही बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक। तो इसमें क्या है, इस एंट्रेंस टेस्ट में आरआईएमसी वाले में, इसमें तो लेवल बहुत ज्यादा है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, 8वीं 9वीं 10वीं। 2-3 साल तो पहले पता नहीं किस लेवल का पेपर था, अभी पिछले साल पिछला जो सेशन हुआ था उसमें लेवल कम किया था, नहीं तो बहुत ऊपर लेवल का एग्जाम लगातार चल रहा था। लेकिन वो पीछे बच्चे नहीं मिले, इनको सीटें खाली रहने लगी, तो फिर इन्होंने लेवल फिर से डाउन कर लिया। तो पिछले जो सेशन था उसका लेवल कम आया था, बाकी तो ये है। तो एक में लेवल बहुत ज्यादा है और एक में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहां से आपका रास्ता जो भी है आरएमएस का, आरआईएमसी का, सैनिक का, सबसे बेहतरीन अकेडमी जो आपको बताएगी, गाइड करेगी कैसे आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं आरआईएमसी के बारे में, झलक दे दूं कि आरआईएमसी का ये है भाई, जरूरी है, बच्चों को पता नहीं होता सर आरआईएमसी। देखो ये आरआईएमसी है लिखा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, रॉयल इंडियन, पहले रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज बोलते थे, रॉयल एक ही है ये, और इन्होंने एक्सटेंशन भी कर दिया था, फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ा दी थी इन्होंने, ठीक है, ये सारा इनका प्रोसेस है। चलो अब इनका थोड़ा सा देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड करने का कोई लिंक नहीं आता, ठीक है, मतलब पहले तो ऑफलाइन फॉर्म भरवा लो, तो कम से कम बच्चे फॉर्म भरे, अगर किसी ने भर भी लिया फॉर्म फिर उसका घर एडमिट कार्ड नहीं पहुंचेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है इनका जो उद्देश्य से रहता है कि वही 1000-2000 बच्चे फॉर्म भरे, उन्हीं की इनको कॉपी चेक करनी पड़े, क्योंकि मेन पर्पज, देखो इनको दिक्कत क्या है, इनको मेन दिक्कत ये है, अगर वहां पे लाखों बच्चों ने फॉर्म भर लिया तो कॉपी चेक करनी पड़ेगी, सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने का उपाय ये है कि 1000-2500 अपने फॉर्म भरे, उसी की इनको कॉपी चेक करनी पड़े, ठीक है, और अपना ये सारा प्रोसेस में उलझे रहे, क्योंकि अगर इन्होंने ऑनलाइन कर दिया तो फॉर्म भरे जाएंगे 60000, और 60000 में फिर कुल मिला के ये है कि बस हो गया काम, भाई आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी सारी चीजें, जैसे आरएमएस ने कर दी इस बार, आरएमएस ने एनईआई एलआईटी दिल्ली को दे दिया टेंडर पूरा भारत सरकार के, तो इनके हाथ से सारी चीजें निकल गई, अब तो सारा वो करेंगे, ऐसे ही सेम आउटसोर्सिंग इनको करना पड़ेगा, इनकी इनका जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये है मेन कारण। तो चलो फिर खैर वो तो देखते हैं, जैसे भी चलता रहेगा, सरकार गवर्नमेंट क्या क्या उसमें एक्शन लेगी, कैसे करेंगे, हम देखते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड फॉर क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम रिटर्न दिसंबर 2000 कमेंसिंग टर्म, ठीक है, जुलाई, क्या क्या है भाई, सेंटर का नाम और पता देख लो, ठीक है, कहाँ पे पढ़ रहा है, अनुक्रमांक रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, ये सारी चीजें इन्होंने देख लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, 1 जुलाई को ये इन्होंने बताया कि आयु इतनी होनी चाहिए सारी चीज, यदि किसी, हाँ, रोल नंबर त्रुटिवश जारी हो जाता है तो वह स्वतः निरस्त समझा जाएगा, कोई गलत रोल नंबर आ गया तो उसको आपको, ठीक है, तो ये होगा भाई। और नीचे क्या इंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी हम और देखेंगे, नीचे इन्होंने अच्छी अच्छी कोई खास इंस्ट्रक्शन होगी तो मैं बताऊंगा, पहले एक बार इसके पेज पे नजर डालते हैं, ये वाले पे देखो क्या रहेगा, क्या रहेगा पेपर का वो देखो एक बार आप, क्वेश्चन पेपर होप सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में भी देखो मैथ आएगा, 1 दिसंबर को ही होगा 3 पालियों में, 9:30 से 11 बजे तक तो होगा मैथ सबसे पहले, दूसरा होगा क्या जनरल नॉलेज, और तीसरा क्या होगा भाई आपका अंग्रेजी, 3 भाषाएं होंगी आपकी 2:30 से 4:30 बजे तक, 2 घंटे का तो अपना यहाँ पे काम है, 1 घंटे का यहाँ पे है, और ये है भाई डेस्क्रिप्टिव, ये है एमसीक्यू, और ये दोनों है डेस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, तीनों होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पे है
और हाँ यहाँ पे देखे तो एक बात और इन्होंने बोल रखी है, देखो कितनी अच्छी बात बोल रखी है इन्होंने। ये रहा, अगर कोई करता है तो विरुद्ध आईपीसी के साथ धारा धाराओं के खिलाफ मुकदमे में, मुकदमा तो इनके खिलाफ चलना चाहिए जो इन्होंने डर्रा अपना रखा ना, ये कि अपना घर पे 2,500 के 2,500 बच्चों को अपना फॉर्म भरवाते हैं। सच में बताइए, ये धारा इन पर लगनी चाहिए सारी, ये है ना। वैसे तो आईपीसी खत्म हो चुका है, पता नहीं किसी अनपढ़ ने लिखा है विरुद्ध आईपीसी, ये तो खत्म भी हो चुका है भाई आईपीसी। देखो ये है ना कि ये आईपीसी तो खत्म भी हो चुका है, अब तो नया का नए नए वो चीजें लागू हो चुकी है, लेकिन किसी अनपढ़ ने लिख दिया, लिखना आता नहीं था अपने, लिख दिया 420 धारा है। ये तो धाराएं भी नहीं है, ये तो भी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो वैसे इन पे लगनी चाहिए ये सारी धाराएं, ठीक है भाई, क्योंकि इनका ही काम है ये सारा। अब देखो ये नीचे आओ, ये इनकी सारी चीजें हो गई, आप देखो परीक्षा कक्ष में हेतु सारी जानकारी है ही है। चलो ठीक भाई, अब देखो क्या क्या है। मोबाइल नहीं ले जा सकते भाई आप, कभी सोचो मोबाइल में, ठीक है। फोटोयुक्त पहचान पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा, आधार कार्ड या स्कूल से कुछ हो, देखो ये लिखा हुआ साफ साफ, ये भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कक्षा 7 पास कर चुके हो या 7 पास कर चुके, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो तो बाद की बात है, छोड़ो इसको, ठीक है। और कोई इसमें मुझे ऐसा लगा नहीं, बस मुझे ये लगा था ये वाला मैंने बता दिया कि ये ढोंग जो उन्होंने लिखा ना, ढोंग ढोंग उन्होंने किसी अनपढ़ ने लिख दिया आईपीसी अधिनियम। अरे ये तो अधिनियम भी गायब हो चुके, तो है भी नहीं अब। बताओ ये झूठा, एक बार बताओ ये झूठा, झूठी चीज देने में नोट करने में इनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये धारा इन पर नहीं लगनी चाहिए सारी की सारी 66, 68, 71, ठीक है भाई। ये हो गया योग्यता लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना, चलो ये हो गया। आरआईएमसी देहरादून में प्रवेश होगा, बिल्कुल सही है, चलो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ऊपर का क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया। अब एडमिट कार्ड कहाँ पे आएगा भैया? ये एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा स्पीड पोस्ट से, ठीक है। इसका कोई लिंक नहीं दिया इन्होंने, ये इसका चाहें तो इसका एक लिंक दे के पेरेंट्स के लिए बहुत काम आसान कर सकते थे, ये फॉर्म ऑनलाइन भरवा के बहुत चीज़ें आसान कर सकते थे, लेकिन ये करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि फॉर्म ज्यादा भर ज्यादा बच्चों को मौका मिल जाएगा। चलो ठीक है, खैर अब इसकी एप्लीकेशन तो हमने भी दे रखी है, आप भी देते रहिए एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ तो होता है, एप्लीकेशन देते रहिए, बेन चीज होगी। आयु हो गई, अब बात आते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की, मुद्दे की बात यहाँ आ जाओ। चलो अब हम बता रहे हैं इसकी तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका, ये ब्रह्मास्त्र, सब कुछ है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है तैयारी का, यहाँ ले लो। बताओ क्या चाहिए आपको? आर आई एम सी कंप्लीट मैथ कोर्स, इंग्लिश, GK, लाइव बैच, टेस्ट सीरीज, सब कुछ भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, ठीक है भाई। परेशान नहीं होना कि इन 10-20 दिनों में, महीने में कैसे तैयारी होगी, ठीक है। अक्टूबर नवंबर और अक्टूबर, ये 1.5 महीने का समय तो अभी भी है ना, कोई परेशान नहीं होना। सीधा सीधा ये है, ये बंच ले लो पूरा, आर आई एम सी का पूरा पैक ले लो, ये सारा कुछ, ठीक है। 20-25 हज़ार का सारा मटेरियल है, सारा खरीद लो वन टाइम में, ठीक है, सारा समाधान हो जाएगा और चैन की नींद बैठ जाओ, समझो कि बहुत बेहतर स्कोर आपका आर आई एम सी में बनेगा। जहाँ बुरी तरह से फेल हो रहे होंगे तो एक नज़दीक पहुँच जाओगे या पास हो जाओगे, बार फिर से बता रहा हूँ, जहाँ बुरी तरह से फेल हो रहे होंगे या तो नज़दीक पहुँच जाओगे बच्चों या पास ही हो जाओगे। तो कैसे अवेल करेंगे इन कोर्सेज को? आसान तरीका है बहुत ही, जो हमारे ऑफिशियल नंबर है, नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है भाई, उन नंबर पर कॉल करो और इनका एक्सेस ले लो भाई इनका एक्सेस, ठीक है। देखो ये है, ये वाले नंबर पे कॉल करके 9528827121 इस नंबर पे कॉल करके सीधा इनको इनका एक्सेस ले लो और तैयारी में लग जाओ। समय बिल्कुल भी आपको गंवाना नहीं है, क्योंकि आरआईएमसी का लेवल बहुत ऊपर का लेवल है, लेवल बहुत ऊपर का है भाई, ठीक है, कॉम्पिटिशन इसमें नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको कैसे एडमिट कार्ड मिलेगा, वो प्रोसेस कैसे तैयारी करनी है वो पता चल गया, एंट्रेंस टेस्ट में क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स, किन चीज़ों का सावधानी आपको, सब चीज़ें मैंने आपको इसमें लगभग बता दी। चलिए ऑल द बेस्ट जिन बच्चों का 1 दिसंबर को एग्जाम है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।